मूल रूप से कालीचरण मेच बोडो समाज का 20वीं सदी का सामाजिक और धार्मिक सुधारक था। उन्होंने 1906 के आसपास कलकत्ता में ब्राह्म धर्म बटा ब्राह्मवाद आदि ब्राह्म समाज नामक एक नए धर्म में दीक्ष प्राप्त किया और ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ असम के निचले मैदानों के बोडो लोगों द्वारा गुरुदेव या गुरु ब्रह्मा को श्रद्धा से कहा जाता है। उस समय के अन्य महान असमी ब्राह्मोस में एक ही गुट के गुंधिराम बरुआ और स्वर्णालता देवी शामिल हैं, जिनमें से सभी किसी भी तरह के औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन करते थे। इस समूह के अनुयायियों को स्थानीय रूप से उनके धर्म और पवित्र नदी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में जाना जाता है, जिसके वे पुत्र हैं। वह बोरो छत्र सम्मिलानी और बोरो स्टूडेंट्स यूनियन के संस्थापक थे। व्यक्तिगत जीवन। जन्म 18 अप्रैल 1860 काजीगामी असम भारत। मृत्यु 8 मई 1938 आयु वर्ग के 78 काजीगामी असम भारत। दूसरे नाम मेच गांधी गुरुदेव। व्यवसाय सामाजिक सुधारक। पत्नी खोमश्री ब्रह्मा उपाशी ब्रह्मा। संतान 7 4 बेटी 3 बेटों। माता पिता खोलाराम मेच पिता रंडीनी मेच माँ। प्रारंभिक जीवन। कलीचरण का जन्म 18 अप्रैल 1860 को हुआ था, जो कि धुबरी जिले के काजीगाम गांव में भारत के असम राज्य था। उनके पिता खोलाराम मेच थे और माँ रंदिनी मेच थे। खोलाराम एक लकड़ी के व्यापारी थे और उन दिनों के समृद्ध व्यक्ति थे। जैसा कि कलीचरण बड़ा हुआ, वह बुद्धिमान ईमानदार और विचारशील बन गया। वह ब्रह्मा विश्वास के एक महान धार्मिक उपदेशक बन गए और बोडो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन से प्रचलित बाथो पूजा के खिलाफ सुधार के विकास में निरंतर कार्यक्रम रूपनाथ ब्रह्मा सहित बोडो समुदाय के सभी शिक्षित और प्रबुद्ध अनुभाग में उनके सुधार कार्यक्रम में उनके सभी दौर के प्रयासों में शिक्षा राजनीति के प्रसार और राजनीतिक सक्रियता के माध्यम से धार्मिक प्रचार। शिक्षा निजी कार्यक्रम के साथ अपने घर में उनकी प्राथमिक शिक्षा बिरनारायण मेच। बाद में वह टिपकाय प्राइमरी स्कूल में संयुक्त प्राथमिक स्कूल को पारित करने के बाद वह पुथिमारी एमवी स्कूल में शामिल हुए, लेकिन जब वह कक्षा में 5 पाए गए तो उसका पिता मर गया था। कलीचरण को घर वापस आना पड़ा, हालांकि वह स्कूल छोड़ना नहीं चाहता था। कार्य 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के शुरुआती हिस्से में बोडो सोसाइटी धार्मिक नैतिक और राजनीतिक गिरावट से भी पीड़ित थी। युवा कलीचरण ब्रह्मा बोडोस की नाजुक स्थिति को समझ सकता है, जो बुराई सामाजिक प्रथाओं के साथ फंस गए थे क्योंकि अन्य प्रतिबद्धताओं ने उन्हें तुच्छ किया था। ब्रह्मपुत्र घाटी के मूल निवासियों में से एक थे, जो बोडोस एक अन्य संकट के अलावा एक अन्य संकट के माध्यम से एक गंभीर संकट के माध्यम से जा रहे थे। उन्होंने एक नीच परिसर विकसित किया था। वे तेजी से अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को त्यागने के लिए थे। बोडो सोसाइटी को अन्य धर्मों में रूपांतरण की संख्या में वृद्धि के साथ विघटन कर रहा था। कई शिक्षित और समृद्ध बोडोस ने अपने पारंपरिक विश्वासों और सीमा शुल्क को आधुनिकीकरण और मानवीय उपलब्धि के लिए ठोकर खाई के रूप में देखना शुरू कर दिया था। कलीचरण ने महसूस किया कि बोडो समाज को सुधारना होगा। वह पीड़ाओं के धर्म के अनुयायी होने के कारण पीठ के साथ पीड़ा और अफसोस से भरा था, लेकिन बहुत ही सतही स्तर पर ही थे। उन्होंने धर्म द्वारा निर्धारित सिद्धांत या दिशा निर्देशों की अनुपस्थिति में थोड़ा झुकाता दिखाया। कई देवताओं और देवी की पूजा, जिनकी संख्या केवल वृद्धि पर थी,
एक स्पष्ट संकेत था कि लोग अपने विश्वास से दूर चले गए थे। वे जौ, चावल, बियर के आदि हो गए और बुरे सामाजिक आदतों को विकसित किया। विभिन्न सामाजिक बुराइयों को बोडो समाज की जीवन शैली को सापेक्ष थे। कल्चर ने महसूस किया कि लोगों की पहचान और एकता केवल उनके समाज और धर्म में एक परिवर्तन को संरक्षित किया जा सकता है। 1905 में वह मोहिनी मोहन चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित सरनीता की आयु में आए। इस पुस्तक में स्वामी सिद्धनारायण परमहंसा की शिक्षा शामिल है। कलिचरण को विश्वास किया गया कि ब्रह्मा धर्म का गोद लेने से बोडोस की प्रगति और विकास की दिशा में और वे धार्मिक रूपांतरणों को रोक देते हैं। इस प्रकार 39 वर्ष की आयु में वह कोलकाता में अपने निवास पर स्वामी सिद्धनारायण द्वारा ब्रह्मावेशन के तल पर ठहराया गया। वह अपने मूल गांव को लौटने के लिए धर्म के बीच धर्मार्थ के साथ एक दृढ़ संकल्प के साथ लौट आए। विद्यासागर नारचरी और मलाबिका मित्रा के ज्ञान के प्रति प्रभु के बारे में ध्राजिर की मूल विचारधारा, जिस पर धर्म आधारित था, वह केवल एक ईश्वर था। ब्रह्मा धर्म में यह भगवान की तरह प्रचार के महत्व की पूजा की जाती है। आग ब्रह्मा और ब्रह्मा पूरी धरती और उसके सभी प्राणियों को जीवन देता है। ब्रह्मा सार्वभौमिक, अंतहीन और सभी शामिल हैं। जहां ब्रह्मा है, सत्य या सच्चाई पाया जा सकता है। वह 8 मई 1938 में अपने गांव में 78 वर्ष की मृत्यु हो गई।